अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो ये जी यहाँ पे ओपन हुआ था बर्गर लैब और मैंने कहा यहाँ पे लाजमी जाना है, क्योंकि वैसे ओवरऑल मैंने इसकी तारीफ़ें सुनी थी। तो ये 2017 में ओपन हुआ है मदीना मार्ट वाला जो मॉल है मेलो मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं जैसे ही गई तो यहाँ पर काफ़ी पतंगे थे, ये किस तरह इन्होंने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से माहौल थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो सकता है, बाकी अच्छा था ओवरऑल यानी, लेकिन मुझे माहौल में थोड़ी सी यानी नीटनेस होनी चाहिए थी, क्लीनलीनेस वैसी नहीं थी जैसे अच्छे ब्रांड्स पे होती है। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है, यहाँ से आप बैठें तो आपको बाहर रोड का बहुत अच्छा नज़र आएगा। सर्विस भी थोड़ी सी स्लो थी, ये चांद रात थी और चांद रात में ये मेरे ख्याल से 12 से 1 बज रहे थे रात को, तो हम लोग यहाँ पर गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी दे पीपल नीड इम्प्रूवमेंट, कि अच्छा ब्रांड है लेकिन थोड़ा सा इन्हें यानी नीटनेस और आप समझें कि थोड़ा सा जो इनका स्टाफ है उसको बेहतरी की गुंजाइश है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी प्राइसेस इनकी एक्सपेंसिव हैं, बर्गर्स इनके एक्सपेंसिव हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्हें प्राइजेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा लो करें या डील्स निकालें कुछ, तो उस लिहाज से ये महंगा है। ऑल दो बर्गर वॉज टू गुड, अगर कंपेयर करूँ मैं मैकडोनल्ड से तो मैकडोनल्ड्स के बर्गर में कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत महंगे एज़ कम्पेयर, बहुत महंगे। पर बर्गर लैब भी एक्सपेंसिव मुझे लगा, टेस्ट वॉज टू गुड, ठीक है। डायनामाइट भी था इनका, क्रंचर्स भी हैं, बिग मैक, काफ़ी कुछ है, लेकिन आप प्राइजेस अगर देखें तो 840-570 मेरे ख्याल से सबसे जो लो बर्गर है वो 570 का है। हमने जो डील मंगवाया आई थिंक 2000 में हमारे 2 बर्गर्स आए थे, 7 फ्राइज़ थे, कोई नगेट्स कुछ नहीं था, तो मुझे थोड़ा महंगा लगा। इसके कंपैरिजन में शेफ्स जो है जो 2017 ही में, वो मुझे बहुत रिजनेबल लगता है, बहुत बहुत अच्छा है उनका बर्गर। तो बाकी आई विश देम लक, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ दे, गुड। बट ये देख लें जी, ये बर्गर था, टेस्ट वॉज टू गुड, बट द पीपल नीड अ लिटल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अल्लाह हाफिज़।